जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो आपका हमारी चैनल जीवन संसार में दोस्तों दूध दही छाछ इन सभी का, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है इनका सेवन भारत में काफी मात्रा में किया जाता है और उन्हीं में से एक छाछ है जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क भी कहते हैं। ये एक हल्का सा तरल पदार्थ होता है जिसको दही को मथकर बनाया जाता है। छाछ में होल मिल्क के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में फैट होता है और कैलोरीज भी कम रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी। और साथ में छाछ में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है, विटामिन B12 होता है, साथ में कैल्शियम, राइबोफ्लोमिन होता है, फॉस्फोरस होता है। छाछ आप चाहें तो ताज़ा पी सकते हैं या फिर थोड़ा सा फ्रीज करके भी पी सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ लोग नमकीन छाछ पीना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल बनस्पत जो लोग इसको मीठा करके शक्कर डाल के पीना पसंद करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप इसमें हल्के से नमकीन करके आप चाहें तो इसमें सोड डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं या काला नमक डाल सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग छाछ का रेगुलरली सेवन करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम करने में छाछ काफ़ी हेल्प करती है और ये उनकी बॉडी में एंटीवायरल और एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और साथ में आपके शरीर में हार्ट से रिलेटेड बीमारी को भी ये कम करने में हेल्प करता है। छाछ जो रहता है वो हमारे शरीर में एक औषधि की तरह काम करता है और जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी यूज़फुल है। हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको कम करने में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। आप इसका प्रतिदिन थोड़ा सा सेवन करेंगे तो ये आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करता है, खासकर आप खाने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। हम कई बार बाहर खाना खाने जाते हैं, वहाँ भी हमें छाछ दी जाती है, इसी कारण हमारी बॉडी को एसिडिटी से बचाने में या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। जिन लोगों के पेट में जलन सी रहती है ज़्यादा मसालेदार भोजन या फिर ऑयली भोजन खाने की वजह से, तो वो लोग छाछ का नियमित सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग हैं जिनका पेट फूल जाता है खाने के बाद, या जिन लोगों के पेट के में कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो आप अगर इसका डेली यूज़ करते हैं तो इसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। छाछ हमारा वेट लॉस करने में भी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं होता और कैलोरी बहुत कम होती है, बल्कि इसमें काफ़ी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में चर्बी घटाने में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। साथ में इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारी जो भूख रहती है उसको मेंटेन रखता है, नियंत्रित करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेट के अल्सर जिन लोगों को रहता है उसके लिए भी छाछ काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड तो आप छाछ का रेगुलरली सेवन कर सकते हैं। छाछ की पेट से रिलेटेड बीमारी में एक थेरेपी या फिर एक मेडिसिन टॉनिक की तरह काम करता है। छाछ के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है और साथ में इसके अंदर बाकी भी दूसरे कई तरीके के विटामिन मिनरल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, खासकर हड्डी से रिलेटेड बीमारी में हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बचाते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये हमारी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी जिन लोगों की बार बार टूट जाती है तो उन लोगों की हड्डी की डेंसिटी भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। छाछ हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारा पेट सही तरीके से काम करता है तो हमारी स्किन होती है या फिर हेयर होते हैं या फिर बॉडी के ऑर्गन सब होते हैं काफ़ी बेटर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ भी पेट ही होता है। तो आप प्लीज़ छाछ का अगर सेवन करते हैं तो ये आपकी जो स्किन रहती है उस पर मॉइस्चर रहता है, साथ में आपकी स्क्रीन पे ग्लो रख। अगर आप खट्टी छाछ का यूज़ करते हैं तो ये पित्त से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप शक्कर मिली हुई छाछ का यूज़ करते हैं तो वो वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है उसमें यूज़ करता है, और अगर आप सोट काली मिर्च और पीपर युक्त छाछ का यूज़ करते हैं तो वो कफ से रिलेटेड अगर आपकी बीमारी तो उसमें यूज़ करता है, ये ऊपर डाल देना। अगर पीलिया से पीड़ित है तो आप एक गिलास छाछ में शहद मिलाकर पियेंगे तो आपको उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। उसके साथ में जिन लोगों को लू लग जाती है तो आप इसको छाछ को पियेंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर खाने के बाद रोज छाछ पीते हो तो आपके जो स्पर्म रहता है मेल्स में तो उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, और अगर आप 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम गुड़ के साथ छाछ को लेंगे तो पित्त से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। छाछ हमारी हाथों को साफ रखता है और इसके साथ में ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसको आप पियेंगे तो आपका जो शरीर रहता है वो हाइड्रेट रहता है, आपके शरीर और स्किन पर भी मॉइस्चर रहता है। कई लोग जो धूप में निकलते तो खासकर गर्मी में काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाते तो आप छाछ को पीजिए। इसके अलावा ये हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, इसमें पोटेशियम होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, और छाछ हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है और साथ में हमारे दांत और हड्डियों के लिए। दोस्तों बात करते हैं छाछ को यूज़ करते हो किन सावधानी या फिर साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी तरीके के बुखार या कमजोरी की स्थिति में तो आप छाछ को पीना अवॉइड कीजिए, खासकर अगर आपको सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अधिक मात्रा में अगर आप छाछ का सेवन करते हैं तो कुछ लोगों में इसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है
या फिर वॉमिट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप इसको सेवन अवॉइड कीजिए। एक्जिमा के पेशेंट है तो आप इसको यूज़ ना करें। साथ में अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आप छाछ का सेवन ना करें। फिर अगर आप एक साल से छोटे बच्चे को ना दें छाछ पीने के लिए, क्योंकि उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। बाहर धूप में थे और आप धूप से घर में आते हैं तो एकदम छाछ का सेवन ना कीजिए। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल के आ रहे हैं या फिर स्विमिंग करके आ रहे हैं तो एकदम छाछ ना पीजिए, क्योंकि इससे आपको सरद गर्म का खतरा रहता है। दोस्तों आप प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।